डॉक्टर को भगवान के रूप में माना जाता है, लेकिन अगर वही डॉक्टर मरीज को तड़पने या फिर मरने के लिए छोड़ दे तो बेचारा मरीज कहाँ जाएगा। कुछ ऐसा ही मामला पंजाब के अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल का सामने आया है, जहां पर एक महिला की डिलीवरी होने वाली है, लेकिन डॉक्टर के पास इतना टाइम तक नहीं है कि वो एक बार उसे देख ले। उस महिला को ना तो कोई कमरा दिया गया है और ना ही कोई बेड। अस्पताल के फर्श पर पड़ी महिला सिर्फ दर्द से तड़प रही है। वही महिला के भाई का कहना है कि करीब 3 दिन हो चुके हैं हमें यहीं पर पड़े हुए, 3 दिन से मेरी बहन दर्द से तड़प रही है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर इमरजेंसी में लेकर आए थे लेकिन इमरजेंसी में लाने के बाद भी ये हाल। वही मौके पर जब मीडिया पहुंची तो डॉक्टर कैमरों से बचते हुए नजर आए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अस्पताल या डॉक्टरों को मीडिया या फिर पुलिस के आने का इंतजार करना होगा? क्या उनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? क्या इसी तरह से एक डॉक्टर अपना फर्ज निभाता है? अगर ऐसा है तो आने वाले समय में लोगों का डॉक्टरों से भी विश्वास खत्म हो जाएगा। सर पेशेंट है सर, तो अजनाले हॉस्पिटल पेशेंट लैके गए, उतो मैडम ने रैफर करता कि तुम गुरु नानक हॉस्पिटल लैके जाओ, तो सर गुरु नानक हॉस्पिटल लैके आए हैं, तो इतने 3 दिन हो गए मरीज फर्श के उत्ते रोल रहा वा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जेकर मैं मैडम ने कहा कि तुम्हें इन दाखिल नहीं करना तो रैफर कर दो, तो अं दस सकते हैं अपने मरीज का होर कितने इलाज करा लें। कहते कि रैफर भी नहीं करना, तुम्हें छुट्टी भी नहीं देनी, तो इतने रहो, तो जिदा मर्जी कह दो, सानू किसी का कोई डर नहीं, जेडे मर्जी नूं बुलाओ, जिन्हों मर्जी बुलाओ। अमृतसर से ललित शर्मा की रिपोर्ट।